जनपद मथुरा में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसपी देहात आदित्य कुमार शुक्ला और क्षेत्र अधिकारी जगदीश काली रमन के निर्देशन में थाना छाता पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब छाता कोतवाली के इंस्पेक्टर रवि त्यागी रात्रि के दौरान थाने की जीप से मै फोर्स के गश्त के लिए निकले थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि गांव नरी की तरफ से पुष्पांजलि कॉलोनी के पास एक सफेद रंग की संदिग्ध गाड़ी खड़ी हुई है। छाता पुलिस देर न करते हुए मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही गाड़ी में सवार तीन व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगे और पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया। वहीं छाता पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। लेकिन छाता पुलिस की टीम द्वारा अपराधियों को घेर कर पकड़ लिया गया, जिनके पास से दो नाजायज अवैध तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, दो खोखा 315 बोर के बरामद हुए। पुलिस की सतर्कता के कारण एक बड़ी घटना होने से बच गई और अपहरण हुए व्यवसायी देवेश को सकुशल मुक्त कराकर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं क्षेत्र अधिकारी जगदीश काली रमन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अपहरण हुआ देवेश एक व्यवसायी है जो कि केमिकल फैक्ट्री गौड़ उद्योग केंद्र के नाम से नियति हॉस्पिटल के सामने नेशनल हाईवे 2 पर स्थित है। इस व्यवसायी के पास पिछले कई दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आ रहा था कि उनकी साड़ी की फैक्ट्री मथुरा और कोसीकला के बीच नरी सैमरी के पास है और केमिकल का सौदा करना है, जिस पर व्यापारी देवेश रात्रि को नरी सैमरी फाटक के पास आ गया और उसके पास फोन आया कि पुष्पांजलि कॉलोनी के पास आ जाओ। जब देवेश वहां पहुंचा तो पहले से मौजूद वहां तीन व्यक्तियों ने उसे जबरन गाड़ी में बिठा लिया और सफेद गमछा से उसके दोनों हाथ बांध दिए। तीनों अभियुक्तों ने देवेश को उसकी i20 कार के साथ कब्जे में ले लिया। इन तीनों शातिरों की योजना देवेश के घरवालों से देवेश को छोड़ने की एवज में रुपए वसूलने की थी, लेकिन छाता पुलिस ने रात्रि करीब 1 बजे मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त अनुज सारस्वत पुत्र बसंत सारस्वत निवासी महुली रोड थाना कोतवाली जिला मथुरा, प्रशांत पुत्र रविंद्र निवासी यमुना पार ईशापुर रोड थाना जमुना पार जनपद मथुरा, वहीं तीसरा अभियुक्त अभिषेक शरण पुत्र विजय प्रकाश जाटव निवासी SBI के सामने वाली गली डैम्पियर नगर थाना कोतवाली जनपद मथुरा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने इन शातिरों के कब्जे से अपहृत व्यापारी देवेश कुमार को उसकी i20 कार सहित मुक्त करा लिया। देवेश कुमार नाम है मेरा। देवेश बताएं क्या घटना हुई आपके साथ? मतलब एक नंबर से मेरे को फोन आया कि हमारी फैक्ट्री है छाता और कोसी के बीच में, वहाँ आप आइए, हमसे डीलिंग करिए केमिकल का। मेरा केमिकल का व्यवसाय है मथुरा में स्थित है और मेरे को बुलाया गया वहाँ पे, और जब मेरे को कहा गया कि आप नरी वाले फाटक को पार करके आइए, वहाँ हमारी फैक्ट्री है, तो मैं जब थोड़ा आगे पहुँचा वहाँ पे तो कॉलोनी का गेट सा था, उसके बाहर ही वहाँ मेरे को चार लड़के मिले। दोपहर के 2:30-3 बजे के आसपास की बात है, और उन्होंने मेरी ही गाड़ी में मुझे बंधक बना लिया, मेरे हाथ बांध दिए थे उन्होंने और मेरा फ़ोन मुझसे मतलब जो है वहीं मेरे से ले लिया था, अपने पास रख रखा था और गाड़ी में, और मुझसे ये कह रहे थे, मतलब मुझसे कह रहे थे कि क्या कहते हैं, अब तू जो है अपने घर वालों से जो है बात कर, जब भी फ़ोन आएगा तो बात करियो, तो ये कहियो कि क्या कहते हैं मैं ठीक हूँ, ये कहा था। और फिर उसके बाद जो है वो आपस में बात कर रहे थे, क्या कहते हैं कि अभी मतलब दिन है, अभी शांत रहो, रात को इसका इंतज़ाम करेंगे। अच्छा, कुछ आपसे पैसे वैसे की डिमांड कुछ ऐसा नहीं? वो ये कह रहे थे कि जब भी घर वालों का फ़ोन आए तो उनसे कि मेरे को काम के लिए अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस तरीके से जो है घर वालों से पैसे मांगने की के लिए कह रहे थे। जेल भेजा जा रहा है, क्या मामला है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग चलती रहती है, और उसी क्रम में एक सूचना मिली थी थाना छाता पुलिस को, और उस सूचना पर कार्रवाई की गई और उसी में एक बड़ी घटना होने से बच गई। देवेश जो कि व्यवसायी हैं मथुरा के, और इनका केमिकल का इनका काम है, नई थी हॉस्पिटल के सामने इनकी दुकान है। 17 तारीख को इनके पास फ़ोन आता है एक दूसरे व्यवसायी, जो अनुज अपने आप को बता रहे हैं, जिन्होंने सौंख में आज से 4 महीने पहले एक फैक्ट्री खोली थी। तो इन्होंने कहा कि हमें सैंपल देखना है केमिकल का, और हमारी फैक्ट्री पड़ती है छाता में, और ये सैंपल हमें देखना है। तो 21 तारीख को देवेश 2:30 बजे अपनी गाड़ी से नरी पहुंचते हैं सैंपल दिखाने के लिए, और वहीं पर जब 2:30 बजे पहुंचते हैं तो ये नरी फाटक के पास पुष्पांजलि एनक्लेव कॉलोनी जो है, वहीं पर 3-4 लड़के इनको खड़े हुए मिलते हैं, इनमें से एक लड़का है अनुज, दूसरे का नाम प्रशांत है, तीसरे का अभिषेक है। ये देवेश को i20 में बंधक बना लेते हैं
और पुलिस को रात में सूचना मिलती है 21 तारीख को 1 बजे सूचना मिलती है कि एक संदिग्ध गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है। और जब पुलिस सूचना पर पहुंचती है वहां पर हमारी जो SHO हैं रवि त्यागी और इनके हमरा जब वहां पहुंचते हैं वहां पर गाड़ी खड़ी हुई मिलती है और जब उनको घेर घोट के पकड़ने की कोशिश की जाती है उनके द्वारा 2 फायर पुलिस पर किए जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ने में सफल होती है और इनके पास से 2 तमंचे 3 जिंदा कारतूस 315 बोर के मिले हैं। और ये घटना के पीछे इनका उद्देश्य ये था कि ये इसको बंधक बना के कुछ पैसा इससे वसूलना चाहते थे, इससे पहले कुछ कर पाते पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करी और एक बड़ी घटना होने से बचा ली है। सर इनका कोई पुराना इतिहास नहीं, इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है क्योंकि अनुज भी देवेश को जानता था, पहले इसने उससे सामान खरीदा है और इसको क्योंकि इसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी इसको लॉस हुआ तो इसके ऊपर कुछ कर्जा, इसने बताया कि मेरे पास कर्जा है तो उसी के तहत इसने एक दिमाग में एक प्लान बनाया कि मैं देवेश को बुला लूँगा और देवेश को बुला के उसके बहाने केमिकल के बहाने इसको बुला के मैं बंधक बनाऊँगा और इससे फिर मैं कुछ वसूली करूँगा। क्या कुछ बरामद हुआ है सर इन लोगों से? इन लोगों से ये तमंचे बरामद हुए क्योंकि घटना ही पूरी कर नहीं पाए, उससे पहले ही पुलिस ने 3 अभियुक्तों को दबोच लिया, घटना करने की फिराक में थे ये देवेश को बंधक बना के पैसा वसूलना चाहते थे पर ऐसा हो नहीं पाया, उससे पहले ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया।